Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार व्लॉग्स. आज है ना, मैंने रात से व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ. इस वक्त है ना, यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे हैं और पूरा डिनर वगैरह हो गया है और हस्बैंड गए हैं आरिस को ऊपर सुलाने के लिए, क्योंकि सुबह जो है 6 बजे इन लोगों को उठना रहता है स्कूल के लिए. तो मैं बस अपना ये किचन का लास्ट वाला काम कर रही थी. सारा किचन मैंने समेट दी हूँ और बस ये सारे बर्तन जो है वो डिश वॉशर में लगा के डिश वॉशर ऑन कर दूंगी, तो मेरे किचन का जो है ना वो पूरा काम फिनिश हो जाएगा. आरिस को सोते हुए देख के ना बड़ा ही सुकून लगता है. ऐसा लगता है ज़िंदगी में सुकून आ गया है जब आरिस सो जाता है. तो यहाँ पे जो है ना, मैं थोड़ी सी पैकिंग कर रही हूँ. असल में कल जो है आरिस के स्कूल में पजामा डे है. सारे बच्चों को ना नाइट सूट में जाना है और ब्लैंकेट और पिलो ये सब लेके जाना है. प्लस जो है एक छोटा सा टेडी बेयर लेके जाना है. तो ये वाला टेडी बेयर जो है ना, ये आरिस का फेवरेट है. बचपन से आरिस ने इसको अपने साथ में रखा है. और एक स्टोरी बुक भी ले जानी है, तो ये एज के हिसाब से ना मैं ये वाली रख दे रही हूँ. तो बस ये वाला बैग मैं रात में पैक कर दे रही हूँ ताकि सुबह में जो है ना वो इतनी हौश पौश रहती है तो ये सब का टाइम नहीं मिलेगा. तो अब हो गई है सुबह और 5:30 को जो है ना मैं उठ जाती हूँ. नमाज़ पढ़ के सीधे मैं किचन में आ जाती हूँ. तो यहाँ पे ना मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाई हूँ साइड डिश में देने के लिए. उसके बाद है ना सारे बच्चों को मैंने उठा दी थी. सब अपना अपना रेडी हो जाते हैं, लेकिन आरिस को जो है ना मुझे रेडी करना पड़ता है. सुबह के 6 बजे जो है ना मैं इन लोगों को उठा देती हूँ. इतनी सुबह इन लोग से कुछ खाया नहीं जाता है, तो बस हॉट चॉकलेट मिल्क दे देती हूँ. आरिस को है ना हॉट चॉकलेट मिल्क पकड़ा के मैं यहाँ आ गई थी किचन में बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए. आज जो है मैं बटर चिकन दे रही हूँ और साथ में जो है ना वो प्लेन राइस दूंगी. और जो साइड डिश में है ना वो फ्रेंच टोस्ट जो बनाई थी वो दूंगी एज ए डेजर्ट. पहले जो है ना मैं टिफ़िन पूरा पैक कर देती हूँ, उसके बाद मैं आरिस को उठाती हूँ, क्योंकि मुझे उसको टाइम देना पड़ता है. लेकिन आज जो है ना मैं वही शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया. तो वही मैंने आरिस को दूध पकड़ा के आ गई कि तुम पियो जब तक कि जो है मैं टिफ़िन पैक करके आती हूँ. सो जब से मैंने ये वाला टिफ़िन ले ली हूँ ना, अफान बहुत खुश रहता है कि अब जो है बटर चिकन पालक पनीर सब वो ले जा सकता है. लीक होने का कोई टेंशन नहीं है. मेरा लास्ट ब्लॉग जो है ना वो टिफ़िन से रिलेटेड था कि किस टाइप का टिफ़िन जो है बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा. जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा. और ये देखिए, मैं टिफ़िन पैक करके आ भी गई किचन में से और आरिस जो है ना वो दूध का कप लेके वैसे का वैसे ही बैठा है. कुछ भी आरिस अपने हाथ से न खाता है न पीता है, सब कुछ उसको खिलाना पड़ता है. टीचर भी बहुत परेशान है स्कूल की. स्लीप मोड ऑन. सुबह में है ना अच्छी खासी ठंडी रहती है, तो फिर है ना मैं आरिस को जैकेट पहना के भेजती हूँ. लेकिन वो भी एक मुसीबत ही है, आरिस है ना रोज़ जैकेट भूल के आ जाता है, तो उसके लिए अच्छा खासा जैकेट का स्टॉक रखना पड़ता है. फिर वीकेंड के दिन टीचर जमा करके जो है वो वापस भेजती है सारे जैकेट्स. अल्लाह हाफिज़. अफान और आरिस की बस आ गई है 6:25 AM पे. और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है. और शुरू में जो है ना वो आरिस कहता था कि हम लोग इतनी रात में जो है वो क्यों स्कूल जाते हैं, सुबह में जाएंगे. लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जो है ना वो आदत हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे जो है ना 10 मिनट के बाद ही फलक और ज़ैम की बस आ जाती है. तो अब 6:35 AM हो रहा है, ये दोनों भी निकल जाएंगे, तो मेरे सर से जो है ना वो सुबह सुबह जो है स्कूल भेजने का एक बहुत बड़ा टेंशन जो है वो हल्का हो जाता है. आज हस्बैंड की मीटिंग थी, उनको जल्दी जाना था, तो 9 बजे जो है ना नाश्ता मैंने लगा दी थी और नाश्ता करके जो है वो चले गए हैं. नाश्ते में वही सिंपल सा अंडा पराठा मैंने बनाई थी और साथ में कड़क पाव और चाय तो लाजिम है. मैंने भी इनके साथ ही ना कड़क पाव और चाय खा ली थी. और उसके बाद मैंने यहाँ पूरा डाइनिंग टेबल क्लीन कर दी हूँ और अब मैं जाऊँगी, फ़्रेश हो जाऊँगी. क्योंकि ना एक दफ़ा अगर मैं किचन में घुस जाऊँ तो उसके बाद जो है ना फ़्रेश होने का मौका ही नहीं मिलता है. जब मैं बॉम्बे गई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से मैंने ये कॉपर का मटका लेके आई थी.
लेकिन वहाँ बॉम्बे में जो है ना, हम लोग ने इसको चेक ही नहीं किया पानी डाल के कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। जब हम लोग ने दुबई ला के इसमें पानी भरे ना, तो इसमें अच्छा खासा जो है वो लीकेज था। तब से ये हस्बैंड जो है वो इस मटके को लेके घूम रहे हैं, ऑफिस में सबको दिए हैं बनवाने के लिए। बड़ी मेहनत से जो है ना ये बन के आया है अभी। तो बस वही मैंने इसमें पानी फिल करके सोची कि इसको रख देती हूँ ऊपर। कॉपर के मटके में अगर रात भर पानी भर के रखें ना और सुबह उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ना, ये इसके साथ नहीं मिला था, ये मैंने दुबई आने के बाद ख़रीदी हूँ। और ना यहाँ दुबई आने के बाद मैंने चेक करी कि अमेज़ोन पे अब जितने भी मटके इस टाइप के मिल रहे हैं ना, उनके साथ स्टैंड फ्री मिल रहा है, प्लस एक ग्लास होल्डर भी ना उसके साथ ही रहता है। आजकल दुबई में हर मॉल में, हर शॉप में बम्पर सेल लगी हुई है। मेरे बच्चे जो है ना, वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे वॉफल बनाने के लिए, और मेरे पास है ना वॉफल मेकर की मशीन नहीं थी। मैं बॉम्बे गई थी ना, तो वहाँ पे भी मैं वॉफल मेकर वाली मशीन देख रही थी, लेकिन है ना मुझे इस टाइप की कोई नहीं दिखी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये 3-in-1 है, मतलब इसमें जो है ना तीन प्लेट्स दी हुई हैं। जैसे कि ये वाली आप देख रहे हैं, ये पनीनी की प्लेट है, और इसके साथ है ना दो प्लेट और मिली है। ये वाली जो है ये वॉफल की प्लेट है, और जो तीसरी प्लेट है ना वो नॉर्मल है, वही सैंडविच मेकर वाली, जैसे ब्रेड डालते हैं और बीच से वो कट होके निकलती है ना अपने आप में, ये वाली। सो ये तीन प्लेट है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया कि मशीन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक ही मशीन में तीनों काम हो जाएगा। और दूसरी बात इसकी अच्छी ये थी कि दूसरे मशीन आप देखते हैं ना, तो उसमें जो है वो वायर बहुत ही छोटा रहता है, तो इसका वायर जो है ना वो ठीक ही था, मतलब बहुत लंबा तो नहीं बोलूँगी लेकिन ठीक था, छोटा भी नहीं था। लेकिन इसमें जो है ना कोई टाइमर वाइमर नहीं दिया हुआ है, इसका कंट्रोल जो है ना वो लाइट से है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जैसे ही जलेगी बुझेगी उस हिसाब से ऑपरेट करना है। और इसकी प्लेट्स वॉश करना और इनको चेंज करना वो भी बहुत इजी है। तो इससे पहले कि आरिज आ जाए, मैं आ गई थी यहाँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो आज का जितने भी रेसिपीज़ रहेंगी ना, वो मैं इसी स्नैक मेकर में बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कैरेट को कद्दूकश करके रख ली हूँ, और साथ में जो है ना मैंने येलो कैप्सिकम उनको भी बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो ऑरेंज और येलो दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ कैबेज, और ये जो सैंडविच है ना, ये मेनली जो है ये वेजिटेबल सैंडविच है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो ये कैबेज है ना, ये बारीक से बारीक काटना है। तो ये देखिए मैंने एकदम लंबे लंबे जूलियंस में कट कर दी हूँ बारीक बारीक। ये जो हम लोग सैंडविच बनाते हैं ना, अगर आप इसमें फ्रेश एकदम कोरिएंडर की चटनी डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है देखिएगा बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू भी एकदम जो है ना अच्छी वाली आएगी। तो बस मैं पीछे गार्डन से जो है ना वो धनिया की पत्ती तोड़ लाई थी, और एकदम फ्रेश चटनी उसकी बना के पीस के रख दी हूँ। दो छोटे आलू जो है ना वो मैंने बॉईल करके रखी थी, उनको मोटे वाले साइड से कद्दूकश कर लेना है। जो सैंडविच की तैयारी ना वो हम लोग पहले करके रख लेंगे ना, तो सैंडविच बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो आप मैगी का पोटैटो सीजनिंग देख रहे हैं ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने एक ही बार ख़रीदी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इस टाइप के पैकेट में आता है, इस पर लिखा रहता है पोटैटो सीजनिंग, और इसके साथ जो है ना एक डब्बा भी मिलता है जिसके अंदर हम लोग इसको भर के रख सकते हैं। तो जैसे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाएंगे या कोई आलू की चाट वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें ये डालने के लिए बहुत ही अच्छा मसाला है। देखते ही देखते 1:30 हो गया और आरिज आ गया है स्कूल से। वैसे तो आरिज बस से उतर के खुद ही घर चला आता है, लेकिन आज उसके हाथ में पजामा डे के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह थी ना, इसलिए उसकी बस नैनी आई है उसको ड्रॉप करने। क्या थे? भूल गए थे। क्या भूल गए थे? तुम तो अभी भी स्लीप मोड में लग रहे हो आरिज। लीला आप हमको पानी दे सकती है? हाँ, हम तुमको पानी दे सकते हैं। टीचर हदील बहुत डांटी थी। टीचर हदील बहुत डांटी थी? किसको? तुमको? नहीं। तब? किसी और को। क्या कर रहा था वो? वो सो नहीं रहा था। सुन नहीं रहा था? नहीं, सो नहीं रहा था। सो नहीं रहा था?
आज पजामा पहन के सबको सुला रही थी क्या मैम? नहीं, नहीं पजामा पहनी थी। अच्छा वो नहीं पजामा पहनी थी, खाली बच्चे लोग पहन रहे थे। हाँ। तुम सोए थे कि नहीं? अच्छा टेडी बेयर पे सोए थे। हाँ। पिलो पे क्यों नहीं सोए? टीचर नहीं दे रही थी। क्यों? हाँ तो तुम्हारे पिल्लो तो हम रखे थे ना बैग में तब, लेकिन हमको उस पर नहीं सोना था। अच्छा आ जाते हैं बैक टू रेसिपी। ये जो सैंडविच है ना इसको जब खाना है उसी टाइम पे बनाना होता है, वरना जो है ना ये एकदम सॉगी हो जाएगी, पानी पानी जैसी हो जाएगी। तो जो कैबेज था और कैप्सिकम और कैरेट तीनों को मैंने एक बोल में डाल दी हूँ, मिक्सिंग बोल में। और उसके बाद है ना इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के जो है वो अच्छे से मायनीज डालूंगी। तो यही इसकी जो है ना वो क्रीम रहेगी, मतलब एक लेयर इसका ये रहेगा कैबेज कैप्सिकम और कैरेट का। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जगह पे जो है ये मायनीज की कोटिंग हो जाए अच्छे से। सैंडविच असेंबल करने से पहले ना मैं प्लग लगा के ऑन कर देती हूँ ताकि ये जो है प्रीहीट हो जाए। यहाँ पे एक ब्रेड मैंने ली हूँ और उसके ऊपर मैंने लगाई हूँ बटर। उसके बाद हम लोग हरी चटनी लगाएंगे। तो ये चटनी जो है ना मैंने अच्छे से मज़े में तीखी रखी हूँ। बड़े बच्चों को जो है ना वो थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए होती है, तो जितनी स्पाइसी चाहिए वो हम लोग अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आलू की लेयर डालेंगे जो हम लोग ने बॉइल्ड ग्रेटेड पोटैटोज रखे थे, तो अच्छी से थिक लेयर इसकी लगा देना है। और उसके बाद है ना वही हम लोग पोटैटो सीजनिंग वाला मसाला डालेंगे। अगर ये नहीं है ना तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो कैबेज वाला मिक्सचर था ना जिसके अंदर हम लोग मायनीज मिला के रखे थे कैरेट और कैप्सिकम वाला, तो वो हम लोग डाल देंगे अच्छे से। और उसके ऊपर ऑनियन रिंग्स डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो टोमेटो रिंग्स भी डाल सकते हैं। सैंडविच जो है वो कभी मोज़रेला चीज़ के बगैर कंप्लीट नहीं होती है, तो ये मोज़रेला चीज़ है जो मैंने ऊपर से डाल दी हूँ। और इसके बजाय जो है ना आप चीज़ क्यूब को भी श्रेड करके डाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ब्रेड पे वही बटर और चटनी लगा के, और उसके बाद जो है ना ये लेट्यूस है वो मैंने रख दी, और उसके बाद ये सैंडविच को हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टेड बटर मैंने ली हूँ और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो। ऑरिगैनो के बजाय मिक्स्ड हर्ब्स भी आप डाल सकते हैं, और है ना ये वाला स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब खाली बटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर। ग्रीन लाइट स्नैक मेकर की जल गई है तो ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब है ना इसके ऊपर वही मैं सैंडविच रख दूँगी, और नीचे वाला पार्ट तो मैंने ब्रश कर चुकी थी, ये ऊपर वाला पार्ट है उसको भी मैं अच्छी तरह से ब्रश कर दूँगी। तो ब्रश करने से ना बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का मार्क आ जाएगा ब्रेड के ऊपर। और ये देखिए क्या फटाक से जो है ना वो क्रिस्पी गोल्डन सी जो है वो सैंडविच बन के रेडी हो गई है। अगर सैंडविच मेकर आपके पास नहीं है ना तो जो ग्रिल पैन होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस सैंडविच मेकर में है ना 2 सैंडविच एट ए टाइम आ सकती है, तो मैं ये सोच रही थी कि सुबह में अगर स्कूल के लिए देना होगा सैंडविच तो आसानी हो जाएगी, 2-2 सैंडविच जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जब तक अफ़ान चेंज करके आ रहा है जब तक जो है मैंने उसकी पूरी सैंडविच ग्रिल करके रख दी हूँ। 1 घंटे के बाद जो है ना वो ज़ईम और फलक भी आ गए थे स्कूल से, और खाना वाना खा के फ्रेश होके फलक आ गई है। आते ही उसने भी सीधे यही पूछी कि ये मटका कब बन के आया, क्योंकि ना मटके के कब से सब लोग इंतज़ार ही में थे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम में किचन में बच्चों के लिए ना स्नैक्स बनाने के लिए। वैसे है ना नॉर्मल डेज़ में मैं इन लोगों को बिल्कुल भी स्नैक्स नहीं देती हूँ शाम में,
क्योंकि फिर हम लोगों को रात में जल्दी खा के सोना होता है, लेकिन आज वीकेंड है ना, तो इसलिए जो है मैं इन लोगों के लिए वॉफल बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा ली हूँ 2 1/4 कप, और 1 टीस्पून भर के जो है वो मैंने नॉर्मल सॉल्ट ली हूँ। उसके बाद जो बेकिंग पाउडर आता है वो 1 टेबलस्पून लेवल करके मैंने ली हूँ, और 1/4 कप शुगर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इसको हम लोग अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लेंगे। वैसे इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, ये जो हम लोग के पास अपना नॉर्मल बीटर होता है ना, उसी से मिक्स हो जाता है। यहाँ स्नैक मेकर में मैंने वॉफल मेकर की जो है वो प्लेट लगा के इसको प्री हीट होने के लिए रख दी हूँ, और एक तरफ जो है ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। इसके अंदर है ना मैं एग्स भी डालूँगी 2 लार्ज साइज़ के। तो ये जो एग है ना, इसको मैंने पहले ही से निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसको यूज़ करना है। उसके बाद इसमें मैंने वनीला एसेंस डाली हूँ, तो ये 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून लेवल करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1 कप जो है ना वो मैंने मक्खन डाल दी हूँ इसके अंदर मेल्टेड, और 2 कप्स ऑफ वार्म मिल्क। बस अब इनको जो है हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अंडा वगैरह जो है ना वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ये वाला जो ड्राई इंग्रेडिएंट था, इसके अंदर हम लोग ये लिक्विड वाला बैटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी लम्स वगैरह जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। वॉफल का जो रेसिपी है ना वो सेम पैनकेक की तरह है, मतलब बस थोड़ा सा बैटर के थिकनेस का फ़र्क होता है। तो इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा जो है थिक रहेगा, ये कंसिस्टेंसी रहती है उसकी। जब वॉफल मेकर की लाइट जल जाए, इसका मतलब ये एकदम अच्छी तरह से हीट हो गया है, और जब ये पूरा गर्म हो जाएगा ना तभी डालना है। अगर आप ठंडे वॉफल मेकर पे डाल देंगे तो आपका जो वॉफल है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीस कर दी हूँ थोड़ा सा स्प्रे मार के ऑयल से, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। इसको है ना पूरा एकदम भरना नहीं है, फुल कवर नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी स्पेस हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर वगैरह है ना, तो ये फूलेगा, राइज होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है जगह हम लोग इसके अंदर छोड़ देंगे, ताकि ये आराम से फूल जाए और अपना शेप ले ले। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ 3 चम्मच के करीब, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर से हम लोग इसको खोल के चेक कर सकते हैं कि ये हुआ कि नहीं, और जितना गोल्डन जितना ब्राउन चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको जो है ना हम लोग को जाली पे निकालना है, प्लेट पे रखेंगे ना तो फिर ये एकदम सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये क्रिस्पी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है। यहाँ पे एक वॉफल बन के निकला नहीं कि पीछे जो है ना वो वॉफल के लिए लाइन लग गई है, सब खुशबू से दौड़ते हुए किचन में चले आए हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा डाल दी हूँ वॉफल पे जो है ना, मैं थोड़ा सा ब्लूबेरी डालूँगी और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, और इसके ऊपर गरम गरम वॉफल पे जब हम लोग मक्खन डालेंगे और वो मेल्ट होगा ना तो क्या ही लगेगा, और इसके कॉम्बिनेशन में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। इसको मैं थोड़ा सा शुगर से डस्ट भी कर दूँगी, तो देखने में जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो सबसे पहला वॉफल था ना वो ज़ैन के हाथे चढ़ गया है, और है ना फलक के ऊपर क्लास चल रही है, तो वो आई थी बार बार झांक के जा रही थी कि अम्मा वॉफल की खुशबू आ रही है, तो मैंने बोला तुम क्लास करके आओ तब देते हैं। और यहाँ देखिए अफान दौड़ा दौड़ा चला आया है कि भाईजान हमको दो हमको दो, ज़ैन कह रहा जाके अपना अंदर से दूसरा लो। तो यहाँ देखिए एक और रेडी हो गया है, और ये वाला जो है ना मैं अफान को और आरिस को दूंगी। जिनको है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वॉफल मेकर लेने में परेशानी हो रही है ना, तो वो वैसा वाला वॉफल भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब जो एक आता है जिसको गैस पे ना सेकते हैं, सेम इसी तरह बनता है, यही सारा बैटर रहता है लेकिन ना उसको गैस पे सेकते हैं। तो यहाँ पे फलक आ गई है अपनी कुरान क्लास करके नीचे, और आरिस जो है ना वो आते ही उसकी जान को लग गया है कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, हमको ये डाल के चाहिए, वो डाल के चाहिए। ये जो वॉफल है ना ये एकदम अलग अलग तरह से जो है हम लोग इसको कस्टमाइज़ करके इसको खा सकते हैं, जैसे कोई लोग जो है वो न्यूटेला लगा के खाते हैं, कोई लोग मैपल सिरप डालते हैं, कोई लोग जो है हर्शीज़ की सिरप डालते हैं, चॉकलेट सिरप डालते हैं, तो जैसा आपको पसंद है ना वैसे चाहिए। तो ये आरिस न्यूटेला लगा के गया है। सो फाइनली आज का जो है वो सारा स्नैक मेकर में खाना पीना हो गया है, तो बस मैं इसको पैक कर रही हूँ। इसके पीछे जो है ना यहाँ पे एक जगह दी हुई है जिसके अंदर हम लोग इस कॉर्ड को अच्छे से लपेट के रख सकते हैं, तो यहाँ वहाँ लटका नहीं रहेगा, और है ना ये इतना स्लीक सा है कि ये कहीं भी जो है वो खड़ा हो जाता है,
तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। तो मैंने पूरा किचन समेट दी हूँ, जितना भी बर्तन वगैरह निकले थे शाम के। और आज वीकेंड है ना, तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी यहाँ पे मॉल में। बहुत दिन से आरिस पीछे पड़ा था कि हमको मैजिक प्लैनेट जाना है, तो मैं उसे बोली थी कि वीकेंड पे लेके चलेंगे। तो अफ़ान लोग जो है ना, ये इस ड्रम में जा रहे हैं। ये इतना डेंजरस ड्रम है, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में ये घूमता है कि इंसान को जो है ना अंदर कैसे कैसा होने लगे अंदर। अभी देखिएगा आप इसकी स्पीड, जब ये घूमना स्टार्ट करता है ना, तो इस ड्रम के नीचे जो ज़मीन होती है ना, वो नीचे चली जाती है। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये सब हवा में लटक रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। आरिस तो इसमें अलाउड ही नहीं था जाने के लिए। यू आर डिजी, यू विल बी डिजी। यहाँ पे फलक और अफ़ान जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इन लोग की एक टीम बन जाती है और आरिस जो है ना वो अकेले हो जाता है। तो अफ़ान जो है उसको खुश करने के लिए उसके साथ भी खेल रहा है। ये एक मशीन है जिसके अंदर जाके बॉक्स बंद कर देते हैं, और उसके बाद है ना इसके अंदर इतनी तेज़ हवा चलती है कि ये पूरे इसके अंदर जो टिकट्स वगैरह है ना, वो पूरे उड़ने लगते हैं। और टिकट्स को उठा के जल्दी जल्दी जो है एक बॉक्स में डालना है, और फिर जितना टिकट हम डाले रहेंगे उतना ही जो है ना हम लोगों को टिकट मिलेगा, और उसके बाद उस टिकट से हम लोग यहाँ पर कुछ गिफ्ट वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो बच्चों के अनलिमिटेड गेम चलते रहेंगे। मैं लेती हूँ अलविदा, और मिलती हूँ मैं न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हम दो हमारे चार व्लॉग्स।